तो कहानी की शुरुआत में हम एक शहर को देखते हैं जहाँ के लोग इस बात का जश्न मना रहे थे कि कल क्रिसमस आने वाला है। वो सब एक दूसरे की खुशी में शामिल होना चाह रहे थे। वहीं हम एबिनीजर स्क्रूज नाम के एक आदमी को देखते हैं जो कि एक बहुत ही चिड़चिड़ा किस्म का इंसान था। उसे कभी भी किसी दूसरे की खुशी पसंद नहीं थी। वो अपने पास आने वाले किसी भी इंसान से ढंग से बात तक नहीं करता था, जिसकी वजह से सारे लोग उससे बहुत नफरत करते थे। वो वहाँ की एक दुकान में पहुँचता है ताकि वो जेंकिन नाम के एक आदमी से अपना उधार चुकता कर सके, पर जेंकिन के पास उतने पैसे नहीं थे कि वो अपना उधार लौटा सके। इसीलिए वो स्क्रूज से कुछ और दिनों की मोहलत मांगता है। वो उसे 2 दिन का टाइम और देता है, पर बदले में उसके उधार में वो 25 पाउंड और जोड़ देता है, जिससे जेंकिंस काफी दुखी होता है। स्क्रूज का एक भांजा भी था जिसका नाम हैरी होता है, पर वो हैरी से नफरत करता था क्योंकि जब वो पैदा हुआ था तभी उसकी माँ की मौत हो गई थी और स्क्रूज अपनी बहन की मौत का जिम्मेदार उसे ही मानता था। इसके बाद वो अपने ऑफिस आता है। वो ऑफिस में आते ही वहाँ पर काम करने वाले बॉब नाम के आदमी को काफी डांट लगाता है और उसकी तनख्वाह भी काटने की उसे धमकी देता है। वहीं वो देखता है कि उसका भांजा हैरी उसे अपने क्रिसमस पार्टी के लिए बुलाने आया है, पर वो उसे डांटते हुए कहता है कि वो बहुत बिजी है क्योंकि आज ही के दिन 7 साल पहले उसका बिजनेस पार्टनर जेकब मार्ले की मौत हुई थी और तब से उसे ये बिजनेस अकेले ही चलाना पड़ रहा है। और वो गुस्से में उससे ये भी कह देता है कि क्रिसमस जैसे मनहूस दिन पे ही उसकी बहन उससे दूर हो गई थी और इसीलिए वो कभी भी इस मनहूस दिन को खुशी से नहीं मना सकता। हैरी उदास होकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद बॉब भी अपना काम खत्म करके स्क्रूज से अपनी तनख्वाह मांगता है, पर आज उसकी तनख्वाह में से स्क्रूज कुछ पैसे काट लेता है क्योंकि कल क्रिसमस के मौके पर वो छुट्टी ले रहा था। बॉब उससे काफी रिक्वेस्ट करता है कि उसे पैसे की बहुत जरूरत है, उसे उसके बेटे की दवाइयाँ भी लेनी होती है, पर वो उसे बिना पैसे दिए ही भगा देता है। बाहर आकर बॉब अपने बेटे टिम से मिलता है जो देखने में काफी बीमार लग रहा था। स्क्रूज खिड़की से ये सब देख रहा था और कहीं ना कहीं उसे दुख भी हो रहा था कि उसे बॉब के पैसे नहीं काटने चाहिए थे। इसके बाद वो अपने घर आ जाता है और जब वो अपने कमरे में सोने जाता है तभी उसके कमरे में बर्फ की परत जमने लगती है और वहाँ चारों तरफ सिर्फ बर्फ ही बर्फ होता है। तभी उसे वहाँ पर जंजीरों से बंधा हुआ उसका मरा हुआ पार्टनर जेकब दिखाई देता है। वो ये सब देखकर बहुत डर जाता है और उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि ये सब हो क्या रहा है। उसे लगता है कि वो ये सब सपने में देख रहा है, पर जेकब उसे अपनी तरफ खींचता है और बताता है कि ये कोई सपना नहीं बल्कि हकीकत है। वो उससे कहता है कि मेरी इन जंजीरों को देखो, ये सब मेरे जीते जी किए गए कुकर्मों की सजा है। वो स्क्रूज से कहता है कि वो उसे वार्न करने आया है ताकि मरने के बाद उसका भी वही हाल ना हो। वो उससे कहता है कि आज 3 घंटों के अंतराल में उसके पास 3 फरिश्ते आएंगे, उनकी दिखाई गई चीजों से वो सबक ले और अपनी जिंदगी को बेहतर बनाए ताकि मरने के बाद वो भी अपने कुकर्मों की जंजीर में ना जकड़ा रहे। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। स्क्रूज अब पूरी तरह से परेशान था, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे। और तभी उसके घर की दीवारें अचानक से हिलने लगती है और उसके पास कैंडल से बनी हुई एक लेडी आती है जो अपने आप को किसी के भी शक्ल में ढाल सकती थी। वो उससे कहती है कि उसे उसके एक दोस्त ने भेजा है ताकि वो उसका पास्ट दिखा सके कि उसने अब तक कितने पाप और गलतियां की है, और अगर वो उन गलतियों से अभी कुछ नहीं सीखा तो आगे उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। वो उसे लेकर उसके पास्ट में जाती है। जब वो बहुत छोटा था वो बचपन में बहुत गरीब हुआ करता था, इसीलिए क्रिसमस के एक दिन पहले भी वो बड़ी मेहनत कर रहा था ताकि उसकी फैमिली को भूखा ना रहना पड़े। और वहीं हम उसकी छोटी बहन को देखते हैं जिसे बचपन से ही कोई बीमारी थी जिसकी वजह से हमेशा उसकी सांसें रुकती रहती थी। वह स्क्रूज को अपना बनाया हुआ तोहफा देने आई थी और वहीं पे स्क्रूज को प्रेजेंट की एक झलक दिखाई देती है जिसमें बिल्कुल उसकी बहन की तरह ही बॉब का बेटा टिम बीमारी से लड़ रहा था, पर उसने कभी भी उसकी मदद करने की नहीं सोची। वो कैंडल लेडी उससे पूछती है कि तुम्हारी बहन का आगे चलकर क्या हुआ, वो बची या नहीं। स्क्रूज उसे बताता है कि अच्छे इलाज के मिल जाने से उसकी बहन की जान बच गई थी, लेकिन उस बीमारी की वजह से वो हमेशा से कमजोर रही और अपने बेटे हैरी को जन्म देते वक्त उसकी मौत हो गई और इसीलिए वो आज भी अपने भांजे से नफरत करता है। और ये सब इसी मनहूस क्रिसमस के दिन हुआ था। वो कैंडल लेडी उससे पूछती है कि क्या एक भी क्रिसमस ऐसा नहीं था जिसमें वो खुश हुआ हो। और इसके बाद वो उसे लेकर समय के थोड़ा आगे जाती है जहाँ स्क्रूज अपने यंग एज में अपने करियर को लेकर काफी फोकस था। वो जिसके पास काम करता था उसकी एक बेटी थी जिसका नाम इजाबेल था और स्क्रूज उससे प्यार करता था, लेकिन पैसे कमाने के चक्कर में उसने अपना काम बदल लिया और वो जेकब मार्ली नाम के एक आदमी के साथ काम करने लगा जो हमेशा सिर्फ पैसों को ही इम्पोर्टेंस देता था, और इसी वजह से वो भी उसी की तरह बनता चला गया और इसाबेल को वो टाइम ना दे सका जिसकी वजह से वो उसे छोड़कर चली गई।
स्क्रूज ये सब देखकर काफी दुखी होता है और वो सोचता है कि काश उस दिन उसने उसे रोक लिया होता। और इसके बाद वो कैंडल लेडी उसे लेकर कहीं और जाने लगती है। वो जाते हुए उससे कहती है कि मैंने तुम्हें तुम्हारा कल दिखाया है और अब कोई और आएगा जो उसे उसका आज दिखाएगा। इसके बाद स्क्रूज एक अलग ही जगह पे पहुंच जाता है जहां उसे बहुत सारे उड़ने वाले क्रिएचर दिखाई देते हैं। और तभी उसके पास एक बहुत ही जॉली किस्म का आदमी आता है। वो स्क्रूज को बताता है कि उसने कैसे अपने खड़ूस बिहेवियर के चलते अपनी जिंदगी को बुरा बना रखा है, जिसकी वजह से उसे कोई भी पसंद नहीं करता। वो उसे लेकर हैरी के घर पहुंचता है जहां पर क्रिसमस की पार्टी हो रही थी। हैरी सबसे कह रहा था कि आज इस खुशी के मौके पर वो लोग उसके मामा स्क्रूज के लिए दुआ करे, पर वहां पर मौजूद हरेक इंसान स्क्रूज से नफरत करता था, इसीलिए कोई भी ऐसा करने के लिए राजी नहीं होता। पर हैरी सबसे कहता है कि वो चाहे जैसे भी हो, वो उसके मामा हैं। उसने कभी अपनी माँ को नहीं देखा, लेकिन ऐसा सुना है कि उसकी माँ अपने भाई स्क्रूज से बहुत प्यार करती थी, और अगर ऐसा है तो जरूर वो उतने भी बुरे इंसान नहीं है। उनके अंदर आज भी कहीं ना कहीं एक अच्छा इंसान छुपा हुआ है जो बाहर आना चाहता है। और इसके बाद वो अपनी मॉम को याद करके थोड़ा इमोशनल हो जाता है। हैरी को उसकी वाइफ आकर संभालती है और कहती है कि आज क्रिसमस के दिन कोई उदास नहीं रहता। ये सब देखकर स्क्रूज को इसाबेल की एक झलक दिखाई देती है और अब वो जॉली आदमी उसे लेकर बॉब के घर जाता है, जहाँ पे वो देखता है कि बॉब के बहुत सारे बच्चे हैं और वो भी क्रिसमस के दिन स्क्रूज के लिए दुआ करने की बात कर रहा था, क्योंकि वो भी उसे उतना बुरा इंसान नहीं मानता था। वहाँ पे बॉब का बेटा टिम वही गाना गाता है जो बचपन में स्क्रूज की बहन गाया करती थी, और गाते गाते टिम की तबीयत खराब होने लगती है। और स्क्रूज को वहाँ पे वही झलक दिखाई देती है जब उसकी बहन भी उसी की तरह बीमार हुआ करती थी। ये सब देखकर अब स्क्रूज को उस लड़के के लिए बहुत दुख हो रहा था। वो उस आदमी से पूछता है कि आगे चलकर टिम का क्या होगा, पर वो जॉली आदमी उससे कहता है कि वो सिर्फ प्रेजेंट दिखा सकता है, क्योंकि फ्यूचर दिखाने के लिए उसके पास कोई और आएगा। ये बोलकर वो वहां से गायब हो जाता है। इसके बाद स्क्रूज अपने आप को अपने ऑफिस के सामने पाता है और उसके सामने एक अजीब सा आदमी होता है जो कुछ बोल नहीं रहा था, वो बस उसे इशारे में कुछ दिखा रहा होता है। वहां पे वो देखता है कि उसके ऑफिस के सामने बहुत सारे लोग जश्न मना रहे हैं और वहां पर जितने भी लोग आए थे उन सब ने कभी ना कभी स्क्रूज से लोन लिया होता है। दरअसल वो जश्न इसलिए मना रहे थे क्योंकि स्क्रूज की मौत हो चुकी थी और अब उन सबको उसकी उधारी से छुटकारा मिल चुका था। पर स्क्रूज अभी भी समझ रहा था कि वहां पर खड़े सारे लोग उसका गुणगान कर रहे हैं, क्योंकि उसे अभी भी पता नहीं था कि वो लोग उसकी मौत पे खुश हो रहे थे। अब इसके बाद स्क्रूज को फ्यूचर की एक और घटना दिखाई जाती है जिसमें वो देखता है कि बॉब के बेटे टिम की अब मौत हो चुकी है। ये सब देखकर उसे वाकई में काफी दुख होता है। वो कहता है कि वो उसे बचा सकता था। वो फ्यूचर दिखाने वाले उस फरिश्ते से पूछता है कि क्या ये सब होकर रहेगा या फिर उसके बदल जाने से ये सब ठीक हो सकता है। तभी वहां पर दो लोग स्क्रूज की डेड बॉडी लेकर आते हैं और उसे बहुत ही बेइज्जती के साथ कब्र में डाल देते हैं। ये सब देखकर स्क्रूज काफी ज्यादा घबरा जाता है। वो अपने आप को भी उन्हीं जंजीरों में जकड़ा हुआ देखता है जैसा कि उसका दोस्त जेकब मार्ले बंधा हुआ था, और अब वो फरिश्ता धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहा था। वो उससे काफी रिक्वेस्ट कर रहा था कि अब वो बदल जाएगा और सब कुछ सही कर देगा। वो कभी भी एक ऐसा इंसान नहीं बनना चाहेगा जिसके मरने पे लोग खुशी मनाएं, पर उसके कर्मों की जंजीर उसे लगातार कब्र की ओर खींच रही थी और आखिरकार वो उसे कब्र के अंदर खींच लेती है। पर वहां से वो सीधा अपने बेडरूम में पहुंच जाता है और अब उसे एहसास हो गया था कि वो कितना गलत था और आज क्रिसमस के दिन वो सब कुछ ठीक कर देना चाहता था। वो अपने भांजे हैरी के घर जाता है और क्रिसमस के गिफ्ट के रूप में उसे उसकी मॉम का बनाया हुआ डॉल गिफ्ट करता है। वो उससे अपने पहले की सारी गलतियों के लिए माफी भी मांगता है। बॉब को वो अपना बिजनेस पार्टनर बना लेता है ताकि उसकी कमाई बढ़ जाए और उसके बेटे टिम का अच्छे से इलाज हो सके। वो उन सब लोगों को अपने घर क्रिसमस के मौके पर इनवाइट करता है जो उसका उधार चुका नहीं पा रहे थे, और वो उनके बाकी के सभी उधारों को माफ कर देता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज डू लाइक एंड शेयर द वीडियो, एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस दैट बेल आइकन।